सर ये ओके टू प्रोसेस, हाँ उसके बाद पिन सर 1 2 1 2 इंटर अप्रूव्ड। स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल साइबर सुरक्षा में। इस बार जो वीडियो बनाया है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा फ्रॉड है जो कि पूरे भारत पे जो बिजनेसमैन है उनको एक संदेश है कि अगर आप इस फ्रॉड के बारे में जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो आप जागरूक हो जाइए, आप तुरंत अवेयर हो जाइए, क्योंकि ये फ्रॉड आपको सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है। ये कुछ ऐसा फ्रॉड है जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये एक पॉस मशीन फ्रॉड है। पॉस मशीन क्या होता है आप जानते हैं, पॉइंट ऑफ सेल होता है जो हम बैंक से परचेस करते हैं। बैंक से परचेस करने के बाद हम उस पर जो है कार्ड मशीन स्वाइप करते हैं, जो कार्ड होता है एटीएम कार्ड होता है स्वाइप करते हैं, फिर सेटलमेंट होता है, फिर उस पर आपके बैंक अकाउंट जो भी लिंक्ड अकाउंट होता है उसमें पेमेंट हो जाती है। तो जो बिजनेसमैन होते हैं वो पॉइंट ऑफ सेल लेते हैं, लेने के बाद अपने वेंडर्स को दे देते हैं या अपने वर्कर को दे देते हैं। वर्कर क्या होता है, वर्कर को बहुत कुछ आइडिया नहीं होता है या थोड़े लोभ के लालच के चक्कर में भी कभी कभी वो पड़ जाता है। इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हमने एक साइबर अपराधी को पकड़ा है जो कि पॉस मशीन के थ्रू फ्रॉड करता था। वो जो फ्रॉड करता था बहुत इंपॉर्टेंट फ्रॉड इसलिए था आपको जानना, क्योंकि उस फ्रॉड में जब मैंने उसके मालिक से पूछा कि आपको ये बात पता थी कि आपका जो वर्कर है इस तरह से इन्वॉल्व है, उन्होंने बोला नहीं। जब मैंने उनसे ये पूछा कि आपको ये पता था कि बैंक ने इसका जो ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो, उसका जो सेटलमेंट आप कर रहे हो, इसका कुछ रूल रेगुलेशन है जो कि आपको पता है क्या, उन्होंने कहा नहीं। तो मैं बहुत ताज्जुब हुआ कि बहुत बड़े बड़े लोगों को जो पॉइंट ऑफ सेल लेते हैं उनको भी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता। पॉइंट ऑफ सेल में फ्रॉड करना एक आम बात है। पहले की एक बात है, जब एक साइबर अपराधी का पूरा गैंग उन्होंने क्या किया था कि एक दुकान किराए पे लिया, फिर पॉस मशीन को, चूंकि उस समय केवाईसी नॉर्म्स उतने स्ट्रिंजेंट नहीं थे, उन्होंने स्वाइप मशीन खरीदा, फिर उन्होंने डेटा इकट्ठा करना स्टार्ट किया, फिर उन्होंने कार्ड क्लोनिंग मशीन से कार्ड को क्लोन किया। MSR सॉफ्टवेयर होता है जिससे सॉफ्टवेयर को यूज करके उन्होंने डेटा को उस पर अपलोड किया, और फिर जब पूरे ट्रांजेक्शन को उन्होंने बैंक अकाउंट में डाला, जब तक बैंक को पता चलता वो सारा पैसा लेकर के दूसरे स्टेट भाग गए थे। ये कुछ इस तरह का फ्रॉड है जो कि आपके साथ भी हो सकता है, आपका लाखों का नुकसान हो सकता है, तो इसको समझना जरूरी है। इसमें साइबर अपराधी जो अपराध किए हैं उसके बारे में पहले आपको बता देता हूं, फिर आपको वीडियो दिखाता हूं कि किस तरह से वो फ्रॉड करते हैं। पॉस मशीन में क्या होता है, जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हो तो वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में चला जाता है, लेकिन उसमें एक ऑप्शन होता है सेटलमेंट का। अगर आप सेटलमेंट नहीं करते हो तो वो सेटलमेंट क्या होता है कि वो इंटरमीडियरी के बकेट में होता है। इंटरमीडियरी का बकेट यहाँ कौन सा हो गया, वो बैंक हो गया, बैंक के पास रहता है। फिर जब आप सेटलमेंट का बटन दबाते हो तो वो पैसा आपके अकाउंट में चला जाता है। जब बड़े बड़े बिजनेसमैन जो यूज करते हैं पॉस मशीन को या अपने जो वर्कर के थ्रू यूज करवाते हैं, तो उसमें सेटलमेंट नॉर्मली वो शाम को या रात को करते हैं और टैली करके देखते हैं कि अब मेरा अकाउंट में इतना पैसा था, हमने इतने का सामान बेचा, और वो टैली करता है। जब मैच हो जाता है तो वो ठीक रहता है, जब मैच नहीं होता है तो प्रॉब्लम शुरू होती है। यहाँ पे साइबर फ्रॉडस्टर ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया, उनको ये जो लूप होल है पॉस मशीन का, ये मैं इस वीडियो के माध्यम से सारे बैंक को भी बताना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। वो क्या किया, फ्रॉडस्टर ने सामने वाले के पास गया जो पेट्रोल पंप है बेसिकली, वहां पहुंचा। पेट्रोल पंप के पास पहुंचने के बाद उन्होंने बोला कि इस कार्ड का आप स्वाइप कर लो, कार्ड स्वाइप करने के बाद 10,000 कैश मुझे दे दो, जो कि RBI के रूल के अकॉर्डिंग बिल्कुल ही गलत है। उसमें कैश सेटलमेंट जो होता है वो 2,000 के ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि RBI के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप जब 2,000 का सेटलमेंट करते हैं तो आपको 5 रुपए उसमें एज अ बोनस मिलता है, लेकिन ये कैश सेटलमेंट जो है वो 10,000 का उन्होंने कर दिया। उनके मालिक से पूछा तो उनको भी ये नहीं पता था कि कैश सेटलमेंट जो है 2,000 के ऊपर नहीं कर सकते। तो बहुत ताजुब की बात है, बैंक वाले सारे रूल्स रेगुलेशन देते हैं, आपको पता नहीं होता, या पता भी होता है तो नॉर्मली आप अवॉइड करते हैं, या आप अवॉइड नहीं भी करते हैं तो आप अपने वर्कर को नहीं बता पाते हैं, या वर्कर को कोई आइडिया नहीं होता, थोड़े से लालच लोभ के चक्कर में फंस जाता है और बहुत भारी नुकसान आपको सहना पड़ सकता है। अभी फिर उसने क्या किया, उसने जो 10,000 रुपए मांगा उसने ये बोला कि आप इसमें से 10,000 रुपए में से 2,000 रुपए रख लो, आप 8,000 ही मुझे दो, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सामने वालों को 2,000 रुपए का लालच लगा, उन्होंने क्या किया कि कार्ड डाला, स्वाइप किया, 10,000 रुपए कैश लाने, जब तक वो काउंटर पे गया उन्होंने पेमेंट जो मर्चेंट कॉपी है, मर्चेंट कॉपी में एक इनवॉइस नंबर होता है, बहुत लोगों को नहीं पता, इस वीडियो में दिखाएंगे आपको आगे कैसे वो इनवॉइस नंबर का यूज करके उस ट्रांजेक्शन को फेल कर दिया। इनवॉइस नंबर निकाला, इनवॉइस नंबर निकालने के बाद वो मेन मेन्यू में गए, मेन मेन्यू में जाने के बाद वहां पे इनवॉइस नंबर डाला 5 नंबर को दबा करके। 5 नंबर क्या था, 5 नंबर था वॉइड का ऑप्शन। वॉइड का मतलब ये हुआ कि जो ट्रांजेक्शन अभी आपका हुआ है उसको आप वॉइड कर देते हो, यानी कि खत्म कर देते हो, वो पैसा वापस जो कस्टमर है उसके अकाउंट में चला जाएगा।
तो फ्रॉडस्टर ने यहाँ क्या किया, सामने वालों को भेज दिया कि जाओ पैसा लेकर के आओ। जब तक वो पैसा लेकर के आया, 10,000 रुपए में 2,000 रुपए रखा, 8,000 दिया उसने, उसी बीच में उस पॉस मशीन में जाकर के वॉइड का ऑप्शन क्लिक किया और टोटल अमाउंट को वॉइड कर दिया, उसका 10,000 रुपए वापस उसके अकाउंट में चले गए। सामने वाले को पता भी नहीं चला, सामने वाले ने 8,000 रुपए इसको दे दिए और वो 10,000 उसके अकाउंट में चला गया। इसके साथ लाइजनिंग किया, जब सेटलमेंट हुआ शाम में, जब सेटलमेंट शाम में हुआ तब उनको पता चला कि इनके अकाउंट में जो पैसा आया था वो वापस कस्टमर के अकाउंट में चला गया। तो ये पूरा वीडियो को आप देखिए, इसको समझिए कि किस तरह से वो काम करते हैं, किस तरह से वो सामने वाले को धोखा देते हैं, किस तरह से लोगों को ठग रहे हैं और पॉस मशीन का क्या कुछ गलत इस्तेमाल है, इसके बारे में इस वीडियो में देखिए, समझिए, जागरूक बनिए। देखते हैं वीडियो को। इन करना सर, इन करने के बाद सर अमाउंट डालना है, उसके बाद सर ये ओके टू प्रोसेस, उसके बाद पिन सर 1 2 1 2 इंटर अप्रूव्ड। बताओ इसमें, उसके बाद सर कार्ड निकाल देना है, इसमें क्या है, इनवॉइस नंबर दिखाओ क्या। उसके बाद सर ये जो इनवॉइस नंबर है इनको वॉइड में जाकर इनवॉइस नंबर को डालना है सर। डालना है, कहाँ डालना है, ग्रीन बटन पर प्रेस करना है सर, उसके बाद नीचे आना है, 5 नंबर पे वॉइड है ना जी सर। तो इनवॉइस नंबर 001025 001025 इंटर करना सर। अच्छा, हो गया अप्रूव। इससे क्या होगा, ये सर रिफंड चला गया, जिस अकाउंट से पैसा कटा उसी अकाउंट में रिफंड हो गया। ये जो स्लिप आया वो व्हाइट सेल का आया ना जी सर, पहले जो स्लिप था सेल का था। देखा आपने उस वीडियो को कि किस तरह से पॉस मशीन में जाकर के वो छेड़छाड़ करता है, मर्चेंट कॉपी को निकालता है, कस्टमर कॉपी को नहीं निकालता है, मर्चेंट कॉपी में इनवॉइस नंबर का इस्तेमाल करता है, इनवॉइस नंबर के इस्तेमाल करने के बाद वो क्या करता है कि उसको वॉइड कर देता है, वो पूरा ट्रांजेक्शन वॉइड हो जाता है। और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जो 2 कॉपी निकली उसमें वॉइड ट्रांजेक्शन का एक कॉपी रहा। वो कॉपी नॉर्मली क्या होता है, जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपने वर्कर को ये नहीं बताते हैं कि वो कॉपी को रखना बहुत जरूरी है, उसी में वो वॉइड ट्रांजेक्शन के बारे में डिटेल लिखा रहता है। अगर वॉइड ट्रांजेक्शन कोई होता है तो पेमेंट फेल हो गया, आप उसका पेमेंट मत लो, आप उनसे पैसे मांगो, अदरवाइज आपका नुकसान होगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है जानना कि जो 2,000 रुपए है उससे ज्यादा लोग पैसा निकाल रहे हैं उस पर बैंक आप में कार्रवाई कर सकती है। वो बैंक जो कार्रवाई करेगी वो वर्कर पे कार्रवाई नहीं होगी, जिसने लिया है उस पे कार्रवाई होगी। तो आप जागरूक रहिए, सजग बनिए और सही चीजों का इस्तेमाल सही तरीके से कीजिए, साइबर सुरक्षा से जुड़िए। और इससे जो भी आपको मैं मैसेजेस देता हूँ, साइबर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सोच समझ के एक एक को एम्पिरिकल स्टडी करके चीजों को बनाया जाता है। यहाँ पे कोई भी चीज मैं जो जवाब आपको बताता हूँ वो उस तरह से नहीं होता है, मैं उसको बहुत सरल लैंग्वेज में बनाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए, साइबर सुरक्षा चैनल से जुड़िए और अपने आप को साइबर सेफ रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।